पंजाब में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में भारी चूक का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। इस संवेदनशील मामले पर पंजाब सरकार और केंद्र सरकार दोनों आमने सामने हैं। केंद्र सरकार और बीजेपी के नेता जमकर कांग्रेस और पंजाब सरकार को घेर रहे हैं। दोनों के बीच कड़ी बयानबाजी का दौर जारी है। साथ ही इस मुद्दे को लेकर देश के कई प्रतिष्ठित लोग अपनी प्रतिक्रियाएं लगातार दे रहे हैं। आज एक बार फिर बीजेपी की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर कई करारे प्रहार किए हैं। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं मीडिया दरबार। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में भारी चूक को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार को एक बार फिर से प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने पंजाब कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि एक टीवी चैनल ने पीएम मोदी की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें एक बड़ा खुलासा हुआ कि पुलिस अधिकारियों, जिसमें पंजाब पुलिस के SHO भी शामिल थे, उन्होंने बताया था कि राज्य सरकार ने प्रदर्शनकारी किसानों को हटाने के लिए कोई निर्देश नहीं दिए थे। आपको बता दें कि इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद स्मृति ईरानी प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस पर जमकर बरसी हैं। उन्होंने कहा, पंजाब में प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में हुई चूक पर पंजाब की कांग्रेस सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इस मुद्दे को लेकर मैंने कांग्रेस नेतृत्व के समक्ष कुछ प्रश्न रखे थे, जिसमें टेलीविजन नेटवर्क ने उन प्रश्नों के कुछ चिंताजनक परिणाम राष्ट्र के सम्मुख रखे हैं। आगे उन्होंने कहा कि मैं अपने प्रश्नों को दोबारा दोहराने के साथ उनमें एक नया प्रश्न जोड़ती हूँ। DGP ने पूरा रूट सुरक्षित है, यह संदेश प्रधानमंत्री की सुरक्षा टीम को क्यों दिया? पंजाब कांग्रेस के वो कौन से आला अधिकारी हैं जो इस सूचना के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाए? स्मृति ईरानी ने कहा कि मैं पूछना चाहती हूं कि आखिर पंजाब पुलिस के आला अधिकारी कांग्रेस के किस बड़े नेता के इशारे पर काम कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि पंजाब कांग्रेस ने जानबूझकर प्रधानमंत्री जी को एक असुरक्षित माहौल में रखा, यह निंदनीय ही नहीं दंडनीय भी है। स्मृति ईरानी ने कहा कि पंजाब के CM ने प्रधानमंत्री के सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है और उनके बारे में एक प्राइवेट पार्टी यानी प्रियंका गांधी वाड्रा को क्यों जानकारी दी? प्रियंका गांधी को इस बात की जानकारी देना गलत है। उन्होंने साथ में यह भी पूछा कि PM की सुरक्षा से समझौते से किसे फायदा हुआ? स्टिंग ऑपरेशन के बाद BJP अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी और कांग्रेस के नेताओं ने इतने संवेदनशील मामले का मजाक बनाया, लगातार देश के सामने झूठ बोलने और मामले को राजनीतिकरण करने का काम किया, कांग्रेस के नेताओं को देश से माफी मांगनी चाहिए। पंजाब में जिस तरह से एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया, उसमें कांग्रेस की पंजाब सरकार की भूमिका का सच आज पूरे देश ने देख लिया है। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को योजनाबद्ध तरीके से खतरे में डाला गया। गौरतलब है कि पंजाब में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में भारी चूक का मामला एक राष्ट्रीय मामला है, जिसको लेकर पंजाब कांग्रेस को लगातार सवालों के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। और आज स्मृति ईरानी ने प्रेस वार्ता के दौरान पंजाब कांग्रेस के समक्ष जो सवाल पेश किए, वो जायज भी हैं। स्मृति ईरानी ने बताया कि पंजाब के CM ने प्रधानमंत्री के सुरक्षा प्रोटोकॉल और उल्लंघन के बारे में प्रियंका गांधी वाड्रा को जानकारी दी थी, जो कि गलत है। एक तरीके से प्रधानमंत्री के सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।